है, उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। नमस्कार, रिपब्लिक भारत के कुचीना स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। इस बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी माहिमा और अनामिका भी रहने वाली है, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें जो महाकुंभ से जुड़ी हुई है, क्योंकि 8 अखाड़ों ने बड़ा फैसला लिया है महाकुंभ को लेकर कि जो भी संत वहां पर जाएंगे उनको आईडी लेनी होगी, आधार कार्ड जरूरी होगा। ये बड़ा फैसला लिया गया है, 8 अखाड़ों ने मिलकर ये बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि शाही स्नान का नाम बदलकर राजसी स्नान किया गया है। जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा। महाकुंभ मेले का आयोजन 12 साल में एक बार किया जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा की मकर राशि में पहुंचता है तब ये महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, और अब ये 2025 में जनवरी से लगेगा। लेकिन बड़ा फैसला ये 8 अखाड़ों का आया है कि महाकुंभ में आने वाले संतों को दी जाएगी आईडी, महाकुंभ में आने के लिए आधार कार्ड भी जरूरी रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, देखिए शाही स्नान इसको कहा जाता था, लेकिन अब शाही स्नान की जगह राजसी स्नान इसका नाम बदल कर दिया गया है। जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, जिसमें साधु संत, हजारों लाखों साधु संत प्रयागराज में पहुंचते हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप किस तरीके से शाही स्नान नहीं राजसी स्नान वहां पर किया जाएगा। 8 अखाड़ों की तरफ से ये फैसला लिया गया है, आईडी कार्ड लेना जरूरी होगा। संतों की तरफ से देखिए ये फैसला किया गया है कि अब पहचान बतानी होगी, और इसके अलावा 8 अखाड़ों का ये फैसला है। प्रयागराज में कुंभ की तैयारियां भी चल रही है। नहीं, ये प्रस्ताव आया हुआ है, अब इसकी चर्चा हो चुकी है। देखिए, आपने देखा होगा जब भी कहीं मेला होता है, कुंभ पर्व होता है, और ये छोटा मोटा तो कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है, और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज, मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है, ताकि उसकी जांच हो। और हमारा जितना भी संत समाज है, जो हमारे भक्त है, जो श्रद्धालु है, शासन प्रशासन सभी सुरक्षित हो सके। तो देखिए, आप तस्वीरें देख रहे हैं, और इसके अलावा आपको सुनवा भी रहे थे कि साधु संत आखिर क्या कह रहे हैं। लेकिन कुंभ पर अखाड़ों की तरफ से फैसला किया गया, 8 अखाड़े जिनकी तरफ से ये बड़ा फैसला किया गया, महाकुंभ स्नान की तैयारियां चल रही है। आपको ये भी बता दें कि महाकुंभ के लिए इस बार खास इंतजाम, और यहाँ पर फिलहाल अब संतों की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है कि जो भी आएगा उसको अपनी आईडी लेकर आनी होगी। पहचान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ताकि किसी तरह का विवाद ना हो। और अभी बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, महाकुंभ से पहले 8 अखाड़ों की तरफ से बड़ा फैसला, महाकुंभ में आने वाले साधु संतों को आईडी कार्ड दिया जाएगा, महाकुंभ में आने के लिए आधार कार्ड सबसे ज्यादा जरूरी होगा, और इसके अलावा शाही स्नान का नाम बदलकर आज से स्नान किया गया है। जैसे कि आपको भी बता रही थी मेरी सहयोगी, जनवरी से प्रयागराज में महाकुंभ लगेगा और 12 साल में एक बार लगता है महाकुंभ। इस बार खास तैयारियां की गई है ताकि व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं, और तैयारियों की समीक्षा के लिए उन्होंने साधु संतों के साथ एक बैठक भी की और उनकी राय भी जानी कि आप बताइए किस तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इस बार क्या खास होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद नजर बनाए हुए हैं, और प्रयागराज की धरती तैयार हो रही है, सज धज कर तैयार किया जाएगा और संवर रही है महाकुंभ के लिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कुंभ को खास बनाने में जुट गए हैं, और प्रयागराज इसी बीच वो पहुंचे। लेकिन आपको इस वक्त जो बड़ा फैसला कुंभ पर अखाड़ों की तरफ से लिया गया है, वो हम लगातार शिखा बता रहे हैं। बिल्कुल, महाकुंभ की तैयारियां एक तरफ चल रही, तो भाई दूसरी ओर अब महाकुंभ को लेके जो अखाड़ों को की तरफ से जो फैसला किया गया उसको लेके यहाँ पे जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से या बाकी जो अन्य मौलाना हैं उनकी ओर से प्रतिक्रिया निकल के सामने आ रही है। महाकुंभ को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है उनकी ओर से, सुनवाते हैं आपको। जिले में अखाड़ा परिषद के जो मजहबी लोग हैं उन्होंने ऐलान किया है कि यहाँ पर मुसलमान नहीं आएंगे, और जो काम करने वाले कारीगर हैं, मजदूर हैं, लेबर जो मुस्लिम्स हैं उनको भी नहीं लगाया जाएगा, और उनकी जगह पर गैर मुस्लिमों को लगाया जाएगा। ये कितना अचंभा करने वाला बयान है कि बग़ैर मुसलमान के
हिंदुस्तान का गुलदस्ता मुकम्मल नहीं होता, और इस भारत की खूबसूरती यही है कि यहाँ सब लोग मिलीजुली तहजीब भाईचारे के साथ में रहते हैं, और मज़हब ये लोग, मज़हब के मानने वाले या मज़हब के प्रचारक, ये कैसे नफरत फैला रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये समाज को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और इसी पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजू दास जी। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि अब शाही स्नान नहीं, राजसी स्नान किया जाएगा, और भी कई बड़े फैसले अखाड़े की तरफ से लिए गए हैं? देखिए, जिस प्रकार से संतों के अंदर एक जागरूकता आई है, ऐसे ही जागरूक होने की जरूरत है। हम किसी के द्रोही नहीं है, किसी मजहब, किसी संप्रदाय, किसी मत, किसी मतांतर के। लेकिन जिस प्रकार से सनातन को मानने वाले, व्रत रखने वाले के साथ धोखा दिया जा रहा था, एक नई सोशल नेटवर्किंग के आपको मिलेगा थूक देना, झूठा कर देना। चलो कोई पागल था, थूक दिया, लेकिन मैक्सिमम अधिकतर मैं आप कहोगे तो 469 वीडियो मेरे पास मैंने महंत जी, राजू दास जी अखाड़ों की तरफ से जो ये फैसला लिया गया है, यानी कि शाही स्नान पहले इसको कहा जाता था, अब राजसी स्नान किया जाएगा, संतों को आईडी कार्ड दिखाना होगा, आधार कार्ड अनिवार्य होगा, ये 8 अखाड़ों की तरफ से फैसला लिया गया है, इसको लेकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि महाकुंभ लगने वाला है जनवरी से, और जिसका सभी को इंतजार रहता है। नहीं, आधार और आईडी तो दिखानी ही पड़ती है, कब नहीं दिखानी पड़ेगी, कोई नई बात थोड़ी ना, ये कौन सी बात हो गई, ये तो नई बात थोड़ी, नहीं तो शुरू से ही चल रहा है आधार आईडी सब। महाराज जी शाही स्नान की जगह अब राजसी स्नान होगा, राजसी कहा किया जा रहा है उसको, क्या कहा जा रहा है? राजसी स्नान होगा अब शाही स्नान, राज्य जी, हाँ जी जी जी, शाही जो है क्या है कि पेशवाई शाही, ये जो मुस्लिम नाम था, यह जो आक्रांताओं ने डाल रखा था, जब उस समय में आक्रांताओं से लड़ाई हुई, तो उस समय में हमने, जब ये मुस्लिम नहीं करने देते थे हमारे आयोजन, ठीक है, तो उसमें उन लोगों, महंत राजूदास, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना है, आप जल्दी बताइए, मौलाना शाहबुद्दीन को आपने अभी भी सुना, वो कह रहे हैं आप देश को बांटने की कोशिश करें जब आईडी कार्ड वाला फैसला किया गया, इस पर आप क्या बोलेंगे? ये देश की बांटने की थोड़ी ना कोई साजिश है, ये आईडी कार्ड तो हम लोग शुरू से ही देखते हैं और प्रशासन लेती है हम लोगों से जी, जमीन देना हो, चाहे कोई सामग्री लेना हो, चाहे वहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, तो हम तो आधार देते हैं, पेन देते हैं, आईडी देते हैं, तब जाकर आप देते हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए महंत राजूदास हमारे साथ जुड़े हुए थे। और देखिए, अखाड़ों की तरफ से, 8 अखाड़ों की तरफ से बड़ा फैसला किया गया। सीधे आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं, राघवेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र, तैयारियां किस तरह से चल रही है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों से राय भी जानी है, और तैयारियां शुरू हो चुकी है, और 8 अखाड़ों की तरफ से बड़ा फैसला, आप जानकारी विस्तार से दें। बिल्कुल, देखिए, धरती का सबसे प्राचीन महाकुंभ सजने जा रहा है। अभी वेट कर रहे हैं कि गंगा का पानी कम हो, गंगा का पानी कम हो तो उसके बाद वहां तैयारियां शुरू हो जाएंगी।